नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ का फरमान, कांवड़ रूट पर दुकानदार लिखे नाम, मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर योगी की मुहर लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर ये सीएम योगी की तरफ से आदेश जारी किया गया है पूरे यूपी के लिए। कांवड़ रूट पर दुकानदार को नेम प्लेट लगानी होगी। मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर योगी की भी मुहर लग गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का ये बड़ा फैसला, यानी अब पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगेगी, जिस पर मालिक का नाम पता लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और अशोक तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा लाइव। अशोक, जब से ये खबर आई है मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से, ये खबर आई तभी से हम देख रहे हैं लगातार इस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब तो पूरे यूपी पर, अब तो सीएम योगी, उनकी मुहर लग गई है। देखिए दरअसल सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था और ये कहा गया था कि कांवड़ का जो रूट है, यानी कांवड़ यात्रा के दौरान जिस रूट से कांवड़िए गुजरने वाले हैं, उस रूट पर पड़ने वाली तमाम सारी दुकानों पर अपना नाम लिखना होगा, अपना पता लिखना होगा और क्या काम वो कर रहे हैं उस दुकान पर, ये भी उस पर दर्शाया जाना होगा। इसको लेकर कल आपने देखा कि तमाम जो पॉलिटिकल है पार्टीज, उनकी तरफ से इसको लेकर इसका विरोध किया गया। खुद मायावती ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से यही इसी तरह का निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। यानी कि अब यूपी में जिन जिन रास्तों से कांवड़िए गुजरेंगे, जिसको जो कांवड़ यात्रा का रूट कहा जाता है, उस पूरे रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर भी, अगर मान लीजिए कोई होटल पड़ता है, ढाबा पड़ता है, तो वहां पर उसको होटल संचालक का नाम और उसका जो काम है वो दर्शाना होगा। इसके अलावा अगर रास्ते में कहीं रेहड़ी ठेले वाले लगते हैं, मिलते हैं, तो उनको भी अपने ठेले के आगे उनका नाम और क्या काम वो कर रहे हैं ये सब दर्शाना होगा। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से जो फैसला शुरुआत दौर में लिया गया था जब कांवड़ यात्रा को लेकर उनकी बैठक हुई थी, उसके बाद अब सरकार की तरफ से इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि अब जब से कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, तो उस पूरे रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर रेहड़ी और जो ठेले होंगे, वो तमाम सारे जो पटरी दुकानदार होंगे, उन सबको वहां पर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी और क्या वो काम करने जा रहे हैं इसको भी दर्शाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर इस कांवड़ यात्रा का जो मुख्य बिंदु कहलाए जाने वाला जो मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस बार की जो कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए एक नया आदेश जारी किया था। वहीं से पूरा जो है यहां पर जो विरोध है इस आदेश को लेकर वो शुरू हुआ। इस बार कांवड़ यात्रा में जो खान पान की दुकान होगी, होटल, ढाबे, ठेले, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी अशोक कर रहे थे, यहां से जो भी शिवभक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वाले के नाम को जरूर लिखें। देखिए क्या कुछ बयान हमारे पास इस पूरे आदेश के बाद सामने आए हैं, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आगे अपने सहयोगी के पास। से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, KFC है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। देखिए तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं? भाई अगर कांवड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संदेश जाए। देखिए वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि
ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बायकॉट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए हिंदू मुसलमान, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी जारी करी है, मुझे लगता है कि सही है। आप अपने आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाना, एक आस्था का बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं लोग। लेकिन इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टिकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। अच्छा ने कहा है कि आप अपने जो ओरिजिनल नाम है, आपकी आइडेंटिटी है जो आधार कार्ड पे है, वो शो करें। कन्फ्यूजन हो जाता है और इसमें लोग बड़े सात्विक तरीके से यात्रा करते हैं, बड़ा उनका इस खास करके कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी आस्था रहती है लोगों की।